देवियों सज्जनों सत्सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 244 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में शिशुमारक चक्र तथा ध्रुव मंडल का वर्णन किया गया है। सबसे पहले शंखद ध्वनि। आदि शक्ति माता भगवती के इस देवी भागवत को सुनकर व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने। शिशुमारक चक्र क्या है तथा ध्रुव मंडल का वर्णन के विषय में हे गुरुदेव मुझे बताने की कृपा करें। महाराज जनमेजय महर्षि जैमिनी से कहते हैं, आदिशक्ति माता भगवती ने श्री नारायण से कहा कि शिशुमारक चक्र के विषय में आप नारद जी को बताएं, साथ ही ध्रुव मंडल का भी वर्णन करके सुनाएं। नारायण कहते हैं, नारद इस सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन दूरी पर परम वैष्णव पद स्थित है। परम भागवत तथा लोक पूजित उत्तान पाद पुत्र श्रीमान ध्रुव यहीं पर विराजमान है। इंद्र अग्नि कश्यप धर्म तथा सप्त ऋषिगण यह सब देखते हुए आदर पूर्वक जिनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं वह ध्रुव कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले प्राणियों के जीवन आधार हैं और निरंतर भगवान की चरणों की उपासना यहीं पर किया करते हैं। सर्वदा जागृत रहने वाले व्यक्तिगत भगवान काल ने भ्रमण करने वाले ग्रह नक्षत्र राशि आदि समस्त ज्योतिर्गणों के अचल स्तंभ के रूप में ध्रुव को यहीं पर व्यवस्थित और स्थिर कर रखा है। वह देव पूज्य ध्रुव अपने तेज से सबको आलोकित करते हुए सदा प्रकाशित होते रहते हैं। जिस प्रकार अनाज को पृथक करने वाले पशु छोटी बड़ी रस्सियों में बंधकर निकट दूर और मध्य में रहकर खलिहान में गड़े खंभे के चारों ओर मंडल बनाकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सभी नक्षत्रगण और ग्रह आदि भीतर बाहर के क्रम से काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प पर्यंत परिभ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार वह सभी ज्योतिर्गण भी पुरुष और प्रकृति के संयोग से अनुग्रहित होकर परिभ्रमण करते रहते हैं और भूमि पर नहीं गिरते हैं। हे मुनि, कुछ लोग भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का वर्णन शिशुमार के रूप में करते हैं, जो नीचे की ओर सिर किए हुए कुंडली मार कर स्थित है। शिशुमार का ही यही अर्थ है कि नीचे की ओर सिर किए हुए कुंडली मार कर स्थित होना।
उसकी पूंछ के अग्रभाग पर उत्तानपाद पुत्र ध्रुव विराजमान रहते हैं। उसकी पूंछ के मध्य भाग में देवताओं द्वारा पूजित पवित्र आत्मा प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म विराजमान हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता तथा उसके कटी भाग में सप्तऋषिगण स्थित हैं। यह शिशुमार अपने शरीर को दाहिनी ओर से कुंडलाकार बनाकर स्थित है। उत्तरायण के 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में हैं और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र इसके बाएं भाग में हैं। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, लोक में भी शिशुमार जब कुंडलाकार होकर बैठता है तो उसके दोनों पार्श्व भाग में अवयवों की संख्या समान होती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता पाई जाती है। इसके पृष्ठ भाग में अजबीथी मूल पूर्वाखार उत्तराखार नक्षत्रों का समूह और उदर में आकाश गंगा है। दाएं तथा बाएं कटि प्रदेश में पुनर्वसु और पुख नक्षत्र स्थित हैं। पीछे के दाहिनी ओर बाएं चरणों में आर्द्रा नक्षत्र तथा श्लेखा नक्षत्र हैं। दाहिनी तथा बाई नासिकाओं में अभिजीत और उत्तराखार नक्षत्र विद्यमान है। हे देवर्षि, इसी प्रकार कल्पना विदों ने दाहिने तथा बाएं नेत्रों में क्रमशः श्रवण तथा पूर्वाखार और दाहिने तथा बाएं कानों में क्रमशः धनिष्ठा और मूल नक्षत्रों की स्थिति बताई है। हे मुने, दक्षिणायन में मघा आदि 8 नक्षत्र बाम भाग में पसलियों में स्थित हैं। उसी प्रकार विपरीत क्रम से उत्तरायण के मृगशिरा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वह इसके दाहिने पार्श्व की पसलियों में स्थित हैं। सतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं कंधों पर विराजमान हैं। इसकी ऊपर की ठोड़ी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में यमराज, मुख में मंगल और जननेन्द्रिय में शनि स्थित कहे गए हैं। इसके कुकुद पद पर बृहस्पति, वक्ष पर ग्रहपति सूर्य, हृदय में नारायण और मन में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा गया है। प्राण और अपान में बुध, गले में राहु और केतु तथा सभी अंगों तथा रोम कूपों में तारागण कहे गए हैं। हे नारद, भगवान विष्णु का यह सर्वदेवमय विग्रह है। परम बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन सायंकाल समय मौन धारण करके अपने हृदय में भगवान को स्थित देखते हुए उनके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करे और इस मंत्र से जप करते हुए स्तुति करे कि हे संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र के रूप में विराजमान प्रभु नारायण तथा देवताओं के अधिपति परम पुरुष मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आपका मैं ध्यान कर रहा हूं। ग्रहों नक्षत्रों तथा ताराओं के रूप में भासित होता हुआ भगवान का आदि दैविक स्वरूप तीनों कालों में मंत्र का जप करने वाले पुरुष के पापों का नाश कर देता है। तीनों कालों में भगवान के इस रूप का वंदन तथा ध्यान करने वाले व्यक्ति का उस समय का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु को शिशुमारक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। हे राजन, आपने पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। तो देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शुरू से अंत तक जरूर सुने। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।